वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो सबसे पहले नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक बोट का ब्लूटूथ हेडफोन। तो दोस्तों ये इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हेडफोन तो चल रहा है लेकिन इसका चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको देखिए मैंने खोल लिया है, अब इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसका चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए दोस्तों इसका जो चार्जिंग आईसी है शायद चार्जिंग कनेक्टर के पास ही है क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा है, ये उखड़ गया है और चार्जिंग कनेक्टर भी ख़राब हो गया। तो ये कैसे उखड़ा, तो चार्जर जो है इसका ज़ोर से अंदर डाल दिया दोस्तों, तो इसके कारण क्या हुआ ये देखिए, ये वाला प्लास्टिक का जो सॉकेट रहता है कनेक्टर के अंदर वो जाके पुश किया चार्जिंग आईसी को, तो इसी कारण चार्जिंग आईसी भी उखड़ गया। यही से देखिए यही से उखड़ गया है। तो इसका अब देखिए बोट का जो ब्लूटूथ हेडफोन है इसका दोनों तरफ ही आईसी बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस कंपोनेंट बैठा हुआ है दोस्तों, ये लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए ये देखिए, तो इस चार्जिंग आईसी का उल्टा सीधा तो हमको पता नहीं है, इसका भी ट्रिक्स है तो देख लीजिए, आपके साथ भी हो सकता है इस मॉडल में क्योंकि कनेक्टर की पिछले हिस्से में ही चार्जिंग आईसी डाला हुआ है। तो ऐसे प्रेस करने से देखिए ये आईसी जो है उखड़ गया है, तो इसको हम बैठाएंगे। उससे पहले हमको चार्जिंग कनेक्टर को उठाना है और ये भी बताएंगे कि इस आईसी को कैसे आप लोग बैठा सकते हो और इसका उल्टा सीधा कैसे देख के बैठा सकते हो, उसका भी सीधा सा एक ट्रिक्स है दोस्तों। तो चलिए इस कनेक्टर को अभी हम उठाएंगे चार्जिंग कनेक्टर को बोर्ड से। तो देखिए इसको हमने सेट कर दिया है और थोड़ा पेस्ट लगाना पड़ेगा इसमें दोस्तों, क्योंकि हीट के कारण दूसरा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है बोर्ड के निचले हिस्से में, जो देखिए कंपोनेंट है स्विच है वो भी उखड़ सकता है, छोटा छोटा रेजिस्टेंस भी है ज़्यादा हीट के कारण, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा पेस्ट हम लगा देते, पेस्ट लगाने से दूसरा कंपोनेंट नहीं जलेगा और आसानी से जो है चार्जिंग कनेक्टर खुल जाएगा। तो इसको यार को थोड़ा कम रखिए, थोड़ा थोड़ा करके हीट कीजिए तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके हीट कर रहा हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना और जब शोल्डर बिगलेगा तो आहिस्ता कनेक्टर हाथ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने कनेक्टर को खोल दिया है, तो ये कनेक्टर तो मुश्किल से मिलता है दोस्तों, ये तो नहीं है मेरे पास। मैं इसमें जो लगाऊँगा यूनिवर्सल कनेक्टर जिसको मैं कहता हूँ उसी को लगाऊंगा और उसको थोड़ा काट के ऐसे ही बना दूंगा दोस्तों। तो पहले इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा आयरन के मदद से, बहुत गंदा है। और इसका जो पॉजिटिव वाला जो पिन है दोस्तों वो भी रस्ट पर गया है किसी कारण, इसका जो शोल्डर है उतना पकड़ नहीं था इसी कारण ये खुल के आ गया दोस्तों। तो देखिए इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें जो है चार पिन बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन पांचवा पिन जो है पॉजिटिव वाला वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको हम घिस देते थोड़ा रस्ट था। तो देखिए यही है वो कनेक्टर, तो मैं जिसको लगाऊंगा ये वाला है यूनिवर्सल कनेक्टर, तो इसको थोड़ा कटर से कटना पड़ेगा, तो मैं इसको काट के तैयार कर लेता हूँ सेम टू सेम। तो मेरा और भी ब्लूटूथ वाला जो वीडियो है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि कैसे यूनिवर्सल कनेक्टर को आप लगा सकते हो काट के।
तो देखिए इसका जो शोल्डर है बॉडी का वो हम कर देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा शोल्डर लेना है आयरन में, ज़्यादा नहीं लेना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका शोल्डर लेके इसको हम सोल्ड कर देते। तो सोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों लिक्विड से। तो देखिए थोड़ा सा ही शोल्डर लेना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको सोल्ड कीजिए। तो हम अभी थोड़ा साफ कर लेते, कनेक्टर बैठ गया है। तो इस कनेक्टर को बैठने के टाइम पे हम आर्गन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे कनेक्टर बिगड़ जाता है दोस्तों। अभी जो ये जो आईसी है दोस्तों, ये देखिए ये चार्जिंग कनेक्टर का जो अंदर का हिस्सा है उसी से ये उखड़ गया है प्रेशर से। तो देखिए जिस तरह से माने जिस साइड से इसको प्रेशर किया है, आईसी का लेग जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, 6 पिन आईसी का टेढ़ा हो गया, मतलब प्रेशर से आपको ऐसे ही देख के पता चलेगा कि कैसे इसका जो है लेग टेढ़ा हो गया। ऐसे ही हम बैठाएंगे देख के। तो उससे पहले इसका आईसी का लेग थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा बैठेगा। तो हम आईसी का लेग थोड़ा सीधा कर लिया हूँ, अभी ट्वीजर के मदद से इसको थोड़ा पकड़ेंगे सही से। थोड़ा अगर 19-20 हो जाता है तो शोल्डर एक पिन के साथ दूसरा पिन चिपक जाएगा, नहीं तो इसका जो पीसीबी बोर्ड है दोस्तों बोर्ड से बाहर निकल जाएगा आईसी, तो बैठाने में मुश्किल हो सकता है। तो इसको ध्यान रख के इसको सोल्ड कीजिए सही से पकड़ के जैसे पहले था। तो थोड़ा सा हम शोल्डर कर देंगे आईसी को, उसके बाद फिर से सही से देख लेंगे कि ठीक है कि नहीं है। उसके बाद दूसरे साइड का जो शोल्डर है उसको हम सोल्ड करेंगे पिन को। तो देखिए अब हमको ये दिख रहा है सही से बैठ गया है, तो अभी हम सही से इसको सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट में जाके, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो देख सकते हो, और वीडियो के ऊपर जो आई बटन शो करेगा वहीं पे भी क्लिक करके आप मेरा और भी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को कुछ वीडियो का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए मैंने चार्जिंग कनेक्टर को बैठा दिया हूँ और चार्जिंग आईसी को भी बैठा दिया हूँ, अब तो इसको चार्ज होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम एक चार्जर लगा के इसको चेक करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते। तो आप सही से अगर इस काम को करते हो तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए ये कनेक्टर मैंने जो यूनिवर्सल कनेक्टर लगाया है कटर से थोड़ा काट लिया था, तो सेम टू सेम कनेक्टर दिखने लगा जो पहले लगा हुआ था, वैसा ही दिख रहा है आपको लगेगा वो सेम टू सेम कनेक्टर ही हमने लगाया है। तो देखिए अभी हम चार्जर इसमें डालेंगे, तो डालने के बाद देखेंगे। अभी चार्जर का लाइन नहीं दिया हो, अभी हम चार्जर को लाइन दे देते 220 वोल्ट में। तो देखिए इसमें जो है चार्जिंग एलईडी ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो देखिए ये चार्ज होने लगा है। अब इसको हम चार्जर को खोल के ऑन करके भी देखते हैं। तो देखिए ये ऑन भी हो रहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही सही हो गया पहले जैसा। तो इसको थोड़ा साफ भी कर लेते, मॉइस्चर जो भी है वो हट जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग।